हमारी तरफ से गावड़े सर को धन्यवाद अदा करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि इस आज के टाइम में भी पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी लोग भी हैं जो गरीबों की सुनते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी की इज्जत करते हैं और कानून का पूरा पूरा साथ देते हैं। उनकी वजह से आज हमें इंसाफ अगर मिल रहा है, अगर हमारी मुमरा थाने में सुनवाई हो रही है तो वो गावड़े सर की वजह से हो रही है। गावड़े सर बहुत अच्छे हैं और न्यायप्रिय आदमी हैं। गावड़े सर जो हैं वो बहुत बड़े न्याय के पुजारी हैं, उनके रहते किसी के साथ हमें नहीं लगता है कि अन्याय हो सकता। दर्शकों आदाब नमस्ते, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी, सदाकत न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक खास खबर की तरफ। दर्शकों खबर खल्डी रोड स्थित न्यास कंपाउंड की है कि यहाँ पर कुछ गुंडे किस्म के लोगों का आतंक है। ये जिसे चाहते हैं अपने आतंक का शिकार बनाते हैं। इनकी दबंगई तो इतनी बढ़ गई है कि ये दूसरों के घरों में घुसकर नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ और उन्हें अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। ताज़ा मामला 14 मार्च की रात का है कि न्यास कंपाउंड मनोवर चाल के पास रूम नंबर 2 में सुमन वर्मा नामी महिला अपने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ घर में सो रही थी कि रात करीब 1 बजे के आसपास सोहेल अकबर शेख उर्फ लड्डू अपने 2 साथियों के साथ सुमन वर्मा के घर में घुस गया और उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के प्रयास से बाहर घसीटने लगा। जब बच्ची जोर से चीखी तो बगल में सो रही मां की आंख खुल गई और उसने हिम्मत करके पास में रखा बेलन उठाया और लड्डू और उसके साथियों से भिड़ गई। किसी तरह ये नशेड़ी गुंडे सुमन का मोबाइल फोन छीन कर वहां से भाग निकले और भागते समय बाहर से सुमन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे पीड़िता बाहर भी नहीं निकल पाई और जब सुबह हुई तो किसी अनजान पड़ोसी ने उसके घर का दरवाजा खोला। उसके बाद पीड़िता जब बाहर निकली और पुलिस के पास जाने लगी तो लड्डू और उसके गुंडे साथी और कई लड़ाकू महिलाओं के साथ आकर पीड़िता पर हमला बोल दिया। यही नहीं, जब पीड़ित बच्ची अपनी माँ को पीटते देख मौके पर पहुंची तो लड्डू और उसके साथ मौजूद महिलाओं ने भी नाबालिग को बुरी तरीके से पीटा और सुमन वर्मा जो पीड़िता है 3 दिन तक पुलिस स्टेशन का चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी फरियाद नहीं ली गई, जिससे पीड़िता नर्वस होकर किसी तरह अपनी फरियाद लेकर परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े के समक्ष पहुंची और अपनी मुसीबतों को बयान किया। फिर क्या था, न्याय के पुजारी निष्ठावान व महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन करने वाले DCP गणेश गावड़े ने तुरंत इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सीनियर इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके बाद मुमरा पुलिस हरकत में आई और मात्र 12 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर DCP गणेश गावड़े को गरीब फरियादियों का मसीहा कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा, इसलिए कि तमाम पीड़ितों को DCP गावड़े के द्वार से इंसाफ मिलता है। उधर इस वक्त मुमरा के नए सीनियर भी बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। जब से आए हैं बड़े बड़े आपराधिक मामलों का पर्दाफाश किया है। फिलहाल नाबालिग से रेप का प्रयास और सुमन व उसकी बेटी पर हमला करने वालों पर IPC की धारा 394, 394, 352, 341, 323, 504, 506 Part 2 143, 145, 147, 149, 8, 12 व 4, 25 के तहत ये संगीन अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें पोस्को की भी संगीन धाराएं शामिल हैं। इस मामले की अधिक छानबीन API कुम्हार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द फरार आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। इस बारे में पीड़िता की मां ने क्या कहा है ये भी सुनिए। आपका क्या नाम है और आपके साथ और आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है? हमारा सुमन श्रीधर वर्मा नाम है और खड्डी गांव में नियाज कंपाउंड में रहते हैं। एक महीना हुआ रहते हुए हम किसी काम से जा रखे थे देहरादून हरिद्वार, तो वहां से हम आए 9:30 बजे आके हम सो गए, थक गए थे हमारी बेटियों के साथ में। जनरल डब्बे में आए थे तो थकान ज़्यादा आ गई थी, हम सो गए। बच्चियाँ हमारी, लाइट हमारे घर में थी नहीं, दूसरे घर से बोर्ड लगाकर फ़ोन चालू करके वो गेम खेल रही थी या पढ़ाई कर रही थी, हमें पता नहीं क्यों मैं सो रही थी। तो 1 बजे के आसपास के टाइम में हमारे घर में 3 लोग घुसे, दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, गर्म हो रही थी, बच्चों ने दरवाज़ा खोल रखा था थोड़ा सा। उसमें 3 आदमी घुसे, लड्डू और लड्डू के 2 साथी और, वो घुसकर मेरी बेटी का मुँह दबाकर उसका कपड़ा फाड़े और बाहर खींचने लगे। वो जब मैंने सुना उनको बोलते हुए जल्दी खींच बाहर, जल्दी निकाल, निमा उठ जाएगी, जब तक मेरी आँख खुल गई और जब उठी तो मैं देखे, मेरा कुछ दिमाग काम नहीं किया, मैं उठी हड़बड़ाहट में, उठकर किचन में गई, मेरे हाथ में बेलन आया, मैंने जब बेलन लेके उन लोग को दौड़ाया, वो भाग गए। 2 नीचे खड़े हुए थे जो, एक बाहर था,
लड़की को पहले मैंने खींचा अंदर, वो जैसे कि मैंने अंदर खींचा वो कड़ी लगाकर दोनों तीनों भाग गए। तब उन्होंने बाहर से कड़ी लगा दी आपके दरवाजे में? जी जी, कड़ी लगाकर वो भाग गए और ये बोलते हुए गए, चाकू था उनके हाथ में बड़ा सा जिससे घोंस काटते हैं वो चाकू था, और दिखाते हुए उन्होंने बोला कि गला काट के तीनों को यहीं पे दफन कर देंगे जंगल में ही, किसी को भी खबर नहीं लगेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे आगे कोई नहीं जाता। ये बोलते हुए वो भाग के चले गए और वहाँ उनकी इतनी दहशत है कि उनके अपोजिट कोई उफ भी नहीं करता है। और तो छोड़िए, कड़ी तक हमारे दरवाजे के कोई खोलने तैयार नहीं था। सुबह फिर आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? सुबह पुलिस के लिए जब मैं कड़ी के लिए कई लोगों को मैंने बोला कड़ी खोलने के लिए, तो एक ने दरवाज़ा खोला हमारा, और आज कोई बोलने तैयार नहीं कि हमने दरवाज़ा खोला था, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं जब इंक्वायरी हुई। तो मैं पुलिस थाने जाने के लिए जब मैं निकली सुबह, तो चाली से बाहर आते ही हमें सब लोगों ने घेर लिया, और कई आदमी थे और 10-12 औरतें थीं, सब ने हमें ऐसा बुरी तरह मारा है कि बोलते हुए कि हम लोग सेल फाटा पे खड़े होते हैं, हम लोगों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है और तू कंप्लेन करने जा रही है, मतलब नहीं जाने देंगे। जी 10-12 औरतों ने भी बहुत बहुत मारा, आदमियों ने भी बहुत मारा, और ये भी बोली हमारा कपड़ा भी फाड़ दिया था, पूरा ऊपर का भी नीचे का भी पूरा कपड़ा फाड़ दिया था, वो भी रखा हुआ है हमारे पास। और आपकी बेटी को? बेटी को भी मारा, जब मेरी बेटी आई हमारे पास बचाने के लिए, जब मालूम पड़ा तो मेरी बच्ची को भी मारा, और हमें तो वहाँ से हिलने भी नहीं दिया। बेटी को मेरी धमकाते हुए वो बोले कहीं जाएगी तो मार दूंगा, और ये चाकू तूने देखा था ना रात में, उसी चाकू से मारूंगा। तो उस आदमी को मैं जब पहचान गई, जब उसने चाकू का नाम लिया और रात का नाम लिया, कि वो लड्डू है। जी नहीं, लड्डू के साथ वाला जो है, लड्डू को तो मैं पहले से ही जानती थी क्योंकि वो पानी छोड़ता है और हर घर में वही पानी छोड़ता है और दूसरा कोई पानी नहीं छोड़ता है। तो बच्चियों को मैंने जब यहाँ थाने मुमरा थाने में मैंने भेजा, तो मेरी बच्चियों के साथ में पुलिस वाले गए थे, तो तब उनके साथ मैंने दुपट्टा लपेट के मैं आई थाने में। थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, वो सर जो थे उनका कुछ चौहान करके नाम है, उन्होंने हमारे अस्पताल का पेपर बना दिया हमारे लिए, बच्चियों को तो सुना भी नहीं उन्होंने कि बच्चियों के साथ भी कुछ हुआ है। हमारा मोबाइल जब छीनना था, मैंने मोबाइल के लिए बोला सर मेरा मोबाइल दिलवा दीजिए, तो बोले वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुमने मोबाइल इनका चुराया है और आप बोल रही हैं इन्होंने चुराया है आपका मोबाइल, ऐसा बोलते हुए उन्होंने अस्पताल का पेपर हमारे हाथ में थमा दिया और अस्पताल के लिए भेज दिया। जब मैं कलवा से पैदल जा रही थी शिवाजी अस्पताल, तो वहाँ पे रास्ते में लड्डू और दो आदमी साथ में आए हुए बाइक पे आए, और उन्होंने बोला तू कितनी निडर है, तुझे जरा भी डर नहीं लगता है, काट के ही फेंक दूंगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा ना, जब एक का करके दिखा दूंगा तब तेरे समझ में आएगा, अगर कहीं तूने चेकअप करवा लिया अस्पताल में तो एक को काट दूंगा, काट के फेंक दूंगा, समझ में नहीं आएगा तेरे, तब समझ में आ जाएगा, तो नहीं आ रहा है। करीब तक पहुंच गए जी अस्पताल से, बस थोड़ी सी ही दूरी पे थे जब, फिर मेरी हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमने CMO सर को दिखाया और उन्होंने लिखा, एक्सरे लिखा और इंजेक्शन के लिए भी लिखा, मैंने इंजेक्शन लगवा तो लिया था, फिर कोई हॉस्पिटल से ही किसी कोई आदमी आया वहाँ पर और एक्सरे के बारे में पूछा कि कोई अभी लेटेस्ट में एक्सरे हुआ है क्या, तो हमने क्योंकि करवाया नहीं था, लिख के तो मिल गया था लेकिन मैंने करवाया नहीं था क्योंकि ये लोग आके पीछे ही घूम रहे थे हमारे, इसलिए मैंने नहीं करवाया था। तो जो सर रिपोर्ट लिखते हैं उनके पास वही जो सीनियर गए थे, वो सीनियर थे कि कौन थे हमें ये कुछ नहीं पता है, जो भी थे वो उनके पास गए और इशारे में बोलते हुए हमारी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये वैसा हाथ से करते हुए बोला उन्होंने। मैंने जब ये सब देखा तो अब क्या था क्या नहीं था ये उन लोग को ही पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे एक्सरे करवाऊँ। फिर मैं वहाँ से वापस चली गई, वो मेरे जानने वाले हैं भाई साहब रहते हैं राबोड़ी में, मैं उनके वहाँ गई, वहाँ से फिर मैं वो उनके बेटे के यहाँ थे वहाँ पे गई, उन्हीं के यहाँ मैं रुकी। फिर रात में जिन्होंने हमें रूम दिलवाया था उनको हमने फ़ोन किया, वो भाई साहब ने ही बोला कि उन्हें फ़ोन करो, तो 2 बजे रात में भी सर से यहाँ चौकी में थाने में मुमरा थाने में कोई सीनियर सर से भी बात हुई, उन्होंने बोला आने के लिए, हम आने के लिए तैयार भी हो गए थे टिटवाला से, लेकिन सर ने फिर बोला कोई लेडीज़ पुलिस नहीं है बयान लेने के लिए, इसलिए सुबह में बुलाइए। फिर मैं सुबह में आई, सुबह में जब आई तो हमारा वहाँ जब थाने में मैं अप्लीकेशन के लिए गई तो उन्होंने बोला कि आप कल क्यों नहीं आई थी, कल आना चाहिए था, और हम लोग फ्री थोड़ी बैठे हुए हैं, चलो ठीक है वो आएंगे तब आप आना। मैं वहाँ से चली आई, फिर थोड़ी देर में चौकी के पास ही खड़ी रही थाने के बाहर ही, फिर वापस में गई तो मैंने सीनियर के लिए पूछा कि सीनियर सर कहाँ है, वो उनसे मिलना मुझे, तो मुझे वो निकम सर बैठते हैं उनकी तरफ इशारा किया और बताया वहाँ पे जाइए वहाँ बैठे हुए हैं।
तो मैं वहाँ गई, निकम सर से ही बात हुई, पर मुझे पता नहीं था कुछ, तो निकम सर से पूछा, उन्होंने कहा 3 बजे आएंगे सीनियर सर, आप 3 बजे आ जाना। तो मैं वापस चली गई, वापस आने के बाद आधा 15-20 मिनट बाद फिर मैं वापस गई, तो मैंने और लोगों से चौकी थाने में ही और लोगों से मैंने इंक्वायरी ली, पूछा कि FIR और कैसे होगी हमारी, तो वहीं थाने में ही बताया गया कि निकम सर जो वहाँ बैठे हुए हैं वो क्राइम के अधिकारी हैं, वो करेंगे। तो मैं उनके पास वापस गई और उन्होंने सीरियस लिया भी, लेकिन जिनसे भेजा गया था जहाँ पे ये एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ हमारी फिर सुनवाई नहीं की गई, 9 बजे के लिए बोल के भेज दिया बहाने करके। फिर मैं 9 बजे गई, फिर 9 बजे वापस आई, वापस गई 9 बजे, फिर जब वहाँ गई तो 2 लोग बैठे हुए थे, तो मैं उनका नाम भी नहीं पता है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे बहुत टेंशन है और टेंशनों में इतना ध्यान नहीं होता है कौन है क्या है। 2 लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक जन ने बोला कि जब रेप हो जाएगा तब हमारे पास आना, अभी रेप हुआ तो नहीं है ना। तो मैं ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बहुत समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं एकदम पगला सी गई थी। फिर अमृत नगर में मेरी जानने वाली हैं, उनके यहाँ मैं गई, उनके यहाँ से फिर बैठ के एप्लीकेशन हमने लिखा और लिख के फिर थाने में गई, वो DCP सर के यहाँ, वहाँ से जब वो गए, वो सर को भी बुलाया हमने तो वो साथ में गए, फिर वहाँ DCP सर ने एकदम सीरियस लिया और हमारा तुरंत ऑन द स्पॉट उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया, थाने में फ़ोन किया और तुरंत कार्रवाई हमारी चालू हो गई। अब 2 लड्डू और लड्डू के साथ जो दूसरा था जिसने चाकू के लिए बोला था वो अभी अरेस्ट किए गए हैं, और औरतों को भी बुलाया गया था लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया उन्हें। अब कब किया जाएगा ये हमें नहीं पता है, वो सर लोग ही बताएंगे। लेकिन आपको खतरा है उन लोगों से? उन लोगों से अभी हमें बहुत खतरा है, हमारी लड़की की तबीयत ख़राब हो रखी है, यही टेंशनों में कि कहीं मम्मी को मेरी कुछ ये लोग कर ना दें, और इस बात का डर हमें भी है क्योंकि ये लोग धमकियों से तो बाज नहीं आने वाले हैं। हमारी लड़की अपने घर पे नहीं जा रही है? नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं है हम हमारे घर पे जाएं, क्योंकि वहाँ हम जाएंगे वहाँ चारों तरफ जंगल है और कोई भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों का हम यकीन नहीं कर सकते अभी जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होते तब तक। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।